Hello everyone, assalamu alaikum, namaste, sasriyakal, welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. So, kaise hain aap log? Aaj hum log dekhne wale hain 59 years old body builder, matlab 59 years ki age ka body builder. So, chalte hain video ko pehle dekh lete hain, uske baad phir is pe baat karenge. तो पहले मैं वीडियो देख लूँ कि 59 इयर्स का बॉडी बिल्डर कैसा दिखता होगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकते हैं. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जय दोस्तों, आज हम मिलाते हैं आपको एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी से जिनकी उम्र है 59 इयर्स, यानी के 59 साल. 59 साल इनकी उम्र है. देखो कितनी मस्त बॉडी है, बॉडी देखना. एशिया और वर्ल्ड दोनों खेलेंगे. इनकी एज है 59 साल, ठीक है. बॉडी दिखाएंगे पूरी, कैसी बॉडी है. कब से कर रहे हो आप बॉडी बिल्डिंग? 30 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं. और आप इससे पहले सीनियर में खेले हो? सीनियर में मास्टर्स में खेले हैं और सीनियर में भी खेल रहे हैं चार बोले. तो देखो आप कितनी अच्छी बॉडी, इनकी पोजिंग दिखाऊंगे आपको कितनी अच्छी बॉडी है इनकी. एक मिनट सर दिखाइए, पर अब डबल बाइस से पोज दिखा दो प्लीज. देखो कैसे एब्स कैसा दिख रहे हैं. 59 साल उम्र में भाई, 59 साल उम्र में सर लेग्स. 59 साल की उम्र में लोग हथियार रखे बैठ जाते हैं, बोलते हैं भाई बोला यार बस बहुत हो गया, बुढ़ा हो गया अब मैं, ठीक है. नहीं कुछ कोई नहीं दिखा सर. फ्रंट लैट्स कोई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ. देखो कितनी अच्छी मसल है. देखो यार लड़के को फैल कर रहे हैं 18 साल के. अच्छा सर साइड चेस्ट पूरे 7 कंपल्सरी पोज दिखा दो प्लीज. ये देखो साइड चेस्ट, देखो कितनी खतरनाक चेस्ट है भाई. और देखो काप और थाई भाई, वाह. हाँ सर नेक्स्ट बैक डबल बाइसेप्स. हाँ ट्राइसेप देखियो क्या मस्त, थोड़ा साइड भाई वाह. हाँ सर नेक्स्ट बैक डबल बाइसेप्स, देखो कितनी खतरनाक बैक है भाई. देखो ये और काप, देखो काप कितनी अच्छी है भाई वाह. लेट्स हाँ सर नेक्स्ट सर एब्डोमिनल, ये देखो ये एब्स कैसा दिख रहे हैं. देखो जैसा वो दिखते ना 18 साल के लड़के के एब्स दिखते हैं, ऐसे एब्स दिख रहे हैं सर के. मोस्ट मस्कुलर पोज भाई वाह, भाई वाह बढ़िया. अभी इनकी 59 साल उम्र है. देखो कितनी अच्छी मसल है इनकी, कितना अच्छा मेंटेन किया अपने यहाँ पे. 59 साल की उम्र में बोलता है बोला यार बुढ़ा हो गया, अब मेरे बस की खेत में जाना भी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा. और देखो ये दो तीन घंटे सुबह और दो तीन घंटे शाम को जिम में एक्सरसाइज करते हैं. सर केरला का है, रहने वाला केरला का है. कितने लड़के हैं सर, कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की. कितनी साल एज है? मेरा लड़का तो 23 है. हाँ लड़के की 23 है, लड़की की 24 है. लड़के की भी बहुत अच्छी बॉडी है, ठीक है. और देखो किस उम्र में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं. देखो हिम्मत मानता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ आपको. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे आप प्राउड है कि साल उम्र में आप बात कर दी. आप मेरे डैडी की उम्र भी लगभग ये समझो 70 से ऊपर है. तो मेरी उम्र अभी 43 है. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा. स्टेज पर देखते हैं क्या होता है. ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करो और एशिया के लिए वर्ल्ड के लिए अच्छा करो. ओके सर, थैंक यू.
वो बॉडी बिल्डर 59 ईयर्स ओल्ड बॉडी बिल्डर, आई मीन कैन यू इमेजिन गाइज 59 ईयर्स ओल्ड जो बॉडी बिल्डर होगा वो कैसा दिखता होगा। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये 59 ईयर्स के कैसे हो सकते हैं, मतलब कि मुझे तो 40 ईयर्स के लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहे 59 ईयर्स के। लेकिन अगर वो लोग कह रहे हैं तो यकीनन वो 59 ईयर्स के होंगे। तो बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो है काफ़ी, जो है इसमें जो है वो उनकी बॉडी शेप जिस तरह से दिखाई गई है तो उसको देखकर तो लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और एक उनकी डाइट जो है ना वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वीडियो को देख के ना एक बात बताऊं, आज मुझे ये फील होता है कि हम लोगों को ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम लोग आज, मैं अपनी इस एज में, अभी मैं अंडर 30 हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 30 हूँ या 30 प्लस हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अंडर 30 हूँ, ठीक है। तो फिर भी अगर आप देखो तो मैं अपने आप को समटाइम इतनी लेथार्जिक फील करती हूँ, इतना ज़्यादा लेजी फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ओल्ड हो गई हूँ, एजेड हो गई हूँ, मतलब मैं ना बस थक गई हूँ, अपनी बॉडी मेरी इतनी लेजी हो जाती है। तो आप ये आइडिया लगाओ कि इस बंदे ने आज ये साबित कर दिया है कि कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, कोई भी इंसान वीक नहीं होता जब तक वो खुद को वीक महसूस ना करे, ठीक है। तो यही चीज़ आज के इस वीडियो में हमने देखी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो, काफ़ी बेहतरीन वीडियो, और इसमें हमें एक मोटिवेशन भी मिली है, हमें पता चला है कि इंसान को अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए। हालांकि 59 इयर्स बहुत होती है एज, लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखा हुआ है, हेल्दी रखा हुआ है, और ये सब एक, और एक चीज बताऊं, इंसान के जब शौक होते हैं ना वो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होते, आप अपने शौक को हमेशा से डिवेलप करते रहो, एक साथ ऐसे शौक को लेकर चलते रहो ना, और आप कोई भी एम रखोगे ना वो पूरा होता ही होता है, बस उसके लिए आपको वेट करना है और मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, दैट्स इट, तो मंजिल ज़रूर मिलती है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं कहती हूँ कि जो इंसान है ना उसको अपनी आप को एक्टिव रखना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो इंसान अपने आप को टेंशन लेता है तो वो उम्र से एज से पहले ही वो अपने आप को ना डल फील करता है, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बचपन से ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देखी हैं, बाबा की डेथ हो गई, फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और लाइफ और पर्सनल लाइफ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। अभी रिसेंटली में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, बट मैंने खुद को कंट्रोल किया, एक्टिव किया, और आज आई एम वेरी हैप्पी, आई एम परफेक्ट। तो यही होता है, इंसान को अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, तो उससे ये होता है कि आप तो आप लोग हमेशा यंग रहते हो। अगर आप मेंटली अपने आप को एक्टिव रखते हो, सोचो कम, हेल्थ पे फोकस करो, एम्स पे फोकस करो, गोल्स पे फोकस करो, तो आप हमेशा अपनी लाइफ को देखना कि बहुत ही पॉजिटिव वे में रहेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। नेगेटिविटी को हमेशा बाय बाय टाटा कर दो, तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो खैर गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।